हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सी टेट के लिए सोशल साइंस हम कर रहे थे और सोशल साइंस में हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो ज्योग्राफी हम कर रहे थे इसमें। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण टॉपिक वैसे मैं बाकी क्लासेस में करा चुकी हूँ, लेकिन सी टेट के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो एन सी आर टी ही बेस्ट नोट्स होते हैं सी टेट के लिए। तो एन सी आर टी बेस्ड सोशल साइंस हम कर रहे हैं इन क्लासेस में। तो वैसे ये वीडियोज़ यूपी टैट के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन यूपी टैट का भी थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है, तो उसके लिए मैंने अलग सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप चाहें तो वो सीरीज़ देख सकते हैं। तो यूपी टैट और सी टैट दोनों का ही कंप्लीट आपका सोशल साइंस इस चैनल पर कराया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, इसके अलावा हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से हैं, घटक कौन से हैं पर्यावरण के। फिर हम देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण और ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानवीय पर्यावरण। तो ये सभी चीज़ें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें पर्यावरण का, तो पर्यावरण वो होता है जब हम अपने परिवेश में जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो सभी आती हैं पर्यावरण में। अब चाहे वो जीवित हों या फिर हम कह सकते हैं निर्जीव हों, तो सभी चीज़ें जो भी होती हैं हमारे आसपास वो सभी आती हैं पर्यावरण के अंदर। तो पर्यावरण हमारा बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली है, मतलब एनवायरनमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो हमें जीवन जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं तो उन सबको ये एक तरह से सपोर्ट करता है, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये हमें हवा, पानी, भोजन और ज़मीन प्रदान करता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें प्रदान करता है, लेकिन अगर हम बात करें बेसिक चीज़ों की जो हमें कहीं भी रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ये सभी जो हमें प्रदान करता है वो प्रदान करता है हमारा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। किसी भी जीव को घेरने वाले स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब जैसे हम भी एक जीव ही हैं, जो ह्यूमन है वो भी एक जीव है, और बाकी जो जीव हैं पृथ्वी पर उनको जो घेरने वाला स्थान होता है, वस्तु या फिर प्रकृति जो है, नेचर जो है, जो भी चीज़ें घेरती हैं वो सब क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती हैं। तो पर्यावरण दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो होता है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मानव पर्यावरण या फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो प्राकृतिक एनवायरनमेंट में तो वो चीज़ें आती हैं जो कि प्रकृति ने हमें दी हैं, नेचर ने हमें दी हैं। तो इसमें देखो, एक तो होता है, इस प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि बायोटिक या फिर अबायोटिक। बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं, ये हिंदी में हम जैविक लिख सकते हैं इसको, तो जैविक या फिर बायोटिक में वो चीज़ें आती हैं जो कि मतलब जीव आते हैं इसमें, जीव या फिर पेड़ पौधे आते हैं जिनमें कि जीवन होता है। अब क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और जीवों में मनुष्य भी आ जाता है, तो जो जीवित चीज़ें होती हैं जिनमें जीवन होता है वो सभी आती हैं जैविक या फिर बायोटिक पर्यावरण के अंदर। क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट के दो टाइप हैं, तो जैविक के अंदर आते हैं सभी सजीव चीज़ें और अजैविक के अंदर आती हैं निर्जीव चीज़ें, जिनमें कि मतलब जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की होती हैं लेकिन उनमें लाइफ नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो भूमि या फिर जल, हवा, इस तरह की चीज़ें, ये सब क्या है हमारा अबायोटिक पर्यावरण में आती हैं। फिर बात करें मानव पर्यावरण की, तो इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मानव के जो क्रिएशंस होते हैं और जो इंटरेक्शन मतलब आपस में जो मनुष्यों का आपस में क्रिया होती है, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, वो सब जो है एक तरह से मानव पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो अगर हम देखें पर्यावरण के घटक, हम इसमें देख सकते हैं तस्वीर में, तो एक तो हमने देखा था प्राकृतिक और एक हमने देखा है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में देख सकते हैं आप जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे जल, जल से बना जलमंडल, वायु से बना वायुमंडल, स्थल यानी ज़मीन से बनता है स्थल मंडल, और सजीव जो जीव हैं उनसे बनता है क्या, जैव मंडल। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वो बनता है हमारा जैव मंडल। तो ये सभी आते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर, और मानव निर्मित हैं ये सभी, जैसे इमारतें हो गई, पार्क हो गए, जो भी मानव ने बनाई हैं चीज़ें वो सभी आती हैं मानव निर्मित में, पुल हो गया, सड़क, स्मारक, उद्योग, तो ये सभी किसने बनाई हैं, मानव ने बनाई हैं। आगे देख लेते हैं,
तो अगर बात की जाए प्राकृतिक पर्यावरण की, नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो जो हमारी भूमि, वैसे तो यही रिपीट हो रहा है जो हमने अभी देख लिया है, तो जो हमारी भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर होते हैं, ये सभी जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो प्राकृतिक में वही हमने देखा, अभी सजीव भी आते हैं इसमें और निर्जीव भी आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। तो अगर एनवायरनमेंट में हम देखें, जो कि हम देख चुके हैं अभी, ये सभी पार्ट इसमें एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल यानी बायोस्फेयर। ये सभी वातावरण में हमारे, एनवायरनमेंट में हमारे शामिल होते हैं। इन सभी से मिलकर बनता है हमारा पर्यावरण। तो तस्वीर में देख सकते हैं आप, तो ये आप देखें वायुमंडल, जो कि हवा हमारे आसपास है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, तो ये हमारी वायुमंडल का निर्माण करती हैं, ये विभिन्न गैसें मिलकर के। और ये होता है हमारा जलमंडल, और ये जो ज़मीन वाला हिस्सा है जहाँ पर सड़कें आपने देखी होंगी, घर बने हुए होते हैं, ये होता है हमारा स्थल मंडल। और जैव मंडल, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो ये होता है जैव मंडल, जहाँ जहाँ पर लाइफ जो है पॉसिबल होती है, जीवन संभव हो पाता है, उसको हम कहते हैं जैव मंडल। तो बारी बारी इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्थल मंडल के बारे में। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, जो ठोस परत होती है, जिसको कि भूपर्पटी कहते हैं, ये स्थल मंडल का निर्माण करती है एक तरह से हम कहें तो। क्योंकि जो ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी का ये हम ऐसे कोई भाग मान लेते हैं, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है पृथ्वी का, ये ऊपर वाली क्रस्ट, यही जो है स्थल मंडल का निर्माण करती है। तो ये चट्टानों, खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। आपने देखा ही होगा अपने आसपास, अगर आप जगह देखें कोई भी, तो मिट्टी की परत रहती है। अब तो मिट्टी कम दिखेगी आपको, अब तो पक्की जगह बन गई है, लेकिन जो भी है, जो ऊपर की लेयर होती है पृथ्वी की, वो ऐसे ही मिलेगी आपको, चट्टानों और खनिजों से बनी हुई मिलेगी। तो स्थल मंडल में कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कहीं पर आपको पर्वत मिलेंगे, जैसे कि हिमालय वाला भाग देखें आप, कहीं पर पठार देखें, पठार मिलेंगे, जैसे कि दक्षिण का पठार देख लो, कहीं पर मैदानी भाग मिलेंगे, जैसे नॉर्थ इंडिया देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश वाला भाग है, और कहीं पर घाटियाँ मिलेंगी, और कहीं मतलब ये सब जो भू आकृतियाँ हैं, ये सब आपको स्थल मंडल में देखने को मिलेंगी। तो स्थल मंडल एक ऐसा डोमेन है जो हमें वन, चराई के लिए घास मैदान, कृषि के लिए भूमि और मानव बस्तियों को प्रदान करता है। हमें स्थल मंडल से खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें स्थल मंडल से मिलती हैं। आगे देख लेते हैं, फिर आता है हमारा जलमंडल। तो जलमंडल वो भाग होता है जो कि हमारा समुद्र, मतलब पानी से घिरा हुआ भाग रहता है। इसमें हमारा समुद्र भी आता है, नदियाँ भी आती हैं, झीलें भी आती हैं, और महासागर भी आते हैं। तो ये इन सबको मिला करके जो पार्ट हमारा जल से घिरा रहता है पृथ्वी का, वो हमारा कहलाता है जलमंडल। तो इसमें पानी के विभिन्न स्रोत रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताए हैं, और सभी जीवों के लिए ये आवश्यक है। इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल, जो वायु की पतली परत रहती है हमारे वायुमंडल में हमेशा, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, और हमारे पर्यावरण में रहती है ये एक तरह से। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को धारण कर रखता है, मतलब कि जो ये हमारा जो वायुमंडल रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण रहता है। क्योंकि जो जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी गैसें होती हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उनको रोके रखता है। और इससे होता क्या है कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, या फिर गर्मी होती है सूर्य की चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा, जब गर्मियों में सीधी किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तो कितनी ज़्यादा भयंकर होती हैं वो, तो इनसे वो रक्षा करता है ये वायुमंडल जो होता है हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कई गैसें, धूल और जलवाष्प शामिल होते हैं। गैसों के अलावा भी आपको धूल और जलवाष्प भी इसमें मिलेंगे। तो मान लो अगर वायुमंडल में परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब है कि मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। वायुमंडल परिवर्तन कैसे? अगर मान लो किसी गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई, या फिर किसी गैस की मात्रा कम हो गई, तो उसका सीधा असर पड़ेगा हमारा मौसम या फिर हमारे जलवायु पर, जिससे कि सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बारिश नहीं होगी, मतलब जितनी बारिश हमें चाहिए उतनी नहीं होगी, या तो कम होगी या तो फिर ज़्यादा होगी। मतलब कई तरह के इसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको, जो कि हम ह्यूमन बींग के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वायुमंडल में जो है संतुलन बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देख लेते हैं, अब बात करेंगे इकोसिस्टम की, यानी पारिस्थितिकी तंत्र की। तो पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहते हैं। तो सभी जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ बातचीत द्वारा गठित एक प्रणाली, जिसमें वे रहते हैं,
सभी ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े होते हैं। तो ये ट्रांसलेशन हुआ है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो पारिस्थितिक तंत्र है या फिर इकोसिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि जिसमें कि ये जीवित जो जीव होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं या फिर एक दूसरे से जो है ये जुड़े रहते हैं किसी ना किसी तरह से, जैसे कि ऊर्जा के लेवल पर हम कहें या फिर कुछ ना कुछ इनको एक दूसरे से मिलता रहता है। जैसे ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन को जो बाकी जो जीव हैं उनसे भोजन भी मिलता है, बाकी जो भोजन मिलता है ह्यूमन बींग को वो पौधों से भी मिलता है। अब क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जीवित भी और निर्जीव भी, मतलब सजीव भी और निर्जीव भी, तो एक दूसरे से क्या होता है इनका इंटरेक्शन वगैरह होता है और मतलब एक दूसरे का इनको ज़रूरत पड़ती है। तो यही जो है सारी चीज़ें मिलकर के क्या कहलाती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पारितंत्र। तो सभी पौधे, जानवर और मनुष्य उनके आसपास के परिवेश पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको पौधे भी चाहिए क्योंकि उनसे फल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जीविका का बहुत सारा सामान मिलता है। इसके अलावा जीवों को भी पौधों से काफ़ी कुछ मिलता है, ह्यूमन बीइंग से काफ़ी कुछ मिलता है और पौधों को भी ज़रूरत होती है आसपास के एनवायरनमेंट की। तो सजीव और उनके परिवेश के बीच संबंध एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो भी ये इंटरेक्शन होता है पर्यावरण के बीच में और ऑर्गेनिज्म के बीच में, जो जीव होते हैं उनके बीच में, यही जो संबंध होता है यही पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र का अगर हमें एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके, तो ये हो गया हमारा वर्षावन। वर्षावन में आपको जीव भी मिलेंगे, इसमें पेड़ पौधे भी मिलेंगे, तो ये एक दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। जीव पौधों को खाकर और छोटे जीवों को खाकर बड़े जीव अपना जीवन यापन करते हैं। तो बहुत तरह से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। घास का मैदान, इसमें भी आपको काफ़ी सारे जीव मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान का भी कुछ ऐसा ही है। झील, झील में भी बहुत से जीव ऐसे मिलेंगे, ऐसे ही तालाब में। तो ये जो हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जिसमें कि सजीव और निर्जीव आपस में क्रिया करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक पारितंत्र का उदाहरण है ये। तो इसमें आपको जीव भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो ज़मीन वाला हिस्सा है तो यहाँ पर जानवर जो हैं चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। और यहाँ अगर आप तालाब में देखें, तालाब में पेड़ पौधे हैं और ये जीव आपको मिलेंगे, बत्तख वगैरह मिलेंगे आपको। तो ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसी को यही होता है हमारा पारितंत्र जिसमें कि सजीव और निर्जीव एक साथ रहते हैं और परस्पर क्रिया भी करते हैं। फिर बात करें अगर मानव पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमने जान लिया, मानव पर्यावरण की बात करें। देखो मानव पर्यावरण क्या होता है, तो मानव पर्यावरण होता है एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड। देखो एक तो ये जो पर्यावरण है ये ह्यूमन द्वारा ही बनाया हुआ है और इसमें क्या कहते हैं, इसमें संशोधन करके बनाया हुआ पर्यावरण है ये। जैसे कुछ भी मानव को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये पर्यावरण को अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, तो उसको ही हम कहते हैं मानव पर्यावरण। इसके एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर हम बात करें पहले के मानव की और आधुनिक मानव की, तो पहले मानव जो था काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी तकनीक थी जो वो पहले नहीं जानता था, लेकिन बाद में अब का जो मानव है अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी तकनीकी आ गई है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, यातायात के साधन आ गए हैं, ये सभी चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये सब किसने किया, ये सब मानव ने ही बनाया है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया है, अपनी सुविधानुसार बनाया, अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया है। तो इसे ही हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण या मानव पर्यावरण, जो कि ह्यूमन ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए हैं या फिर वो बनाया है। तो मनुष्य पर्यावरण का उपयोग करने और बदलने के नए तरीके सीखते हैं। जैसे कि पहले फसल का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, फिर फसल का ज्ञान हुआ, फिर फसल उगाने लगे वो, फिर पालतू जानवर पालने लगे और फिर एक व्यवस्थित जीवन जीने लगे। पहले तो उसको समाज का ही पता नहीं था, पहले वो ग्रुप में भी नहीं रहता था, अकेला रहता था जंगलों में। तो मतलब अगर आप पुराने मानव को देखें, जैसे आदि मानव के टाइम को, और आज के मानव को देखें, तो आपको बहुत सारे बदलाव उसमें देखने को मिलेंगे। इसमें ही शामिल है पहिए का भी आविष्कार हुआ और भोजन का भी उत्पादन वो करने लगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वही है कि मानव पर्यावरण से मतलब है हमें। तो मानव पर्यावरण वही है जिसमें कि मानव ने खुद से भी बनाया है वो, और संशोधन भी उसमें काफ़ी किए हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज हम पर्यावरण से क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके
जो भी चाहें उसे हासिल करने में सक्षम हो पाते हैं। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को पर्यावरण के साथ अच्छे से मतलब सामंजस्य के साथ जीना सीखना चाहिए और इसका उपयोग सही से करना सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों का मिसयूज़ होने लगा है और पर्यावरण को हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो इसीलिए पर्यावरण का सही उपयोग सीखें। तो पर्यावरण की मतलब कुछ फैक्ट हैं ये। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर से हुई है, जो कि जिसका मतलब होता है पड़ोस। तो इसका मतलब होता है पड़ोस, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? ये एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें धन के उपयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं और फिर सामान हमें मिलता है। लेकिन पहले के टाइम में पैसे नहीं होते थे, मुद्रा नहीं होती थी, तो क्या करते थे, जो किसी के पास सामान एक्स्ट्रा होता था उसके बदले वो दूसरा सामान ले लेते थे। तो सामान के अदले बदले मतलब वो करते थे पहले। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए। तो बाकी की क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे हिंदी की क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा सोशल साइंस की यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।